आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर कोई अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान है। लोग पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि वो चाहकर भी अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वहीं इससे आपके शरीर को काफी नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि आए दिन व्यक्ति को त्वचा से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। अगर किसी व्यक्ति की दिनचर्या सही नहीं है तो ये निश्चित है कि उसे कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो इसकी वजह से त्वचा संबंधित समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये बीमारियां शुरुआत में साधारण नजर आती हैं। कई बार ये खुजलाहट से शुरू होती हैं, लेकिन वहीं समय बीतते बीतते ये भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। इन रोगों में प्रमुख है दाद, खाज, खुजली। ये ज्यादातर गुप्तांगों के आसपास होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की बीमारी नमी के कारण होती है, और जब एक बार ये खुजली होने लगती है तो ऐसा मन करता है कि बस शरीर को खुजाते ही चले जाएं। खुजली ये बहुत आम बीमारी है जो किसी को कभी भी हो सकती है। खुजली में इंसान अपने ऊपर काबू नहीं रखता है, बस लगातार खुजाता रहता है। उसके शरीर में इसका बुरा असर पड़ता है, निशान बन जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते। चलिए आज हम कुछ घरेलू उपाय आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप पहले दिन से ही साबुन और शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि साबुन और शैम्पू में वो तत्व होते हैं जो एक ही दिन में आपकी तकलीफ को कई गुना बढ़ा देते हैं। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ जाती है। माना ये जाता है कि अगर एक्जिमा का मरीज समुद्र के पानी से नहाता है तो वो इसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। वहीं आप इस तरह की बीमारी से बचने के लिए नीम के कुछ पत्तों को उबालकर उसमें पानी मिलाकर नहा सकते हैं। दोस्तों, अगले हम 9-10 प्रयोग बता रहे हैं। बहुत छोटे प्रयोग हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पर विश्वास कर सकते हैं। अनार के पत्तों का पेस्ट बनाकर दांत पर लगाने से दांत ठीक हो जाते हैं। नींबू के रस की कुछ बूंदें केले के गूदे में मिलाकर दांत वाली जगह पर लगाने से दांत ठीक हो जाते हैं। दांत खाज खुजली में बथुआ की सब्जी फायदेमंद होती है, हो सके तो उबाल कर इसका रस पी लें। अगला है, सेंधा नमक को पीस कर गाजर में मिलाकर उसे हल्का गुनगुना करके दांत वाली जगह पर आप लगाते हैं या खुजली वाली जगह पर आप लगाते हैं या छाजन वाली जगह पर लगाते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। दांत खाज खुजली में कच्चे आलू का रस बहुत फायदेमंद होता है। कच्चे आलू का रस 1 चम्मच रोज पिएं, आप देखिए आपके शरीर में जो जहरीले तत्व हैं वो बाहर निकल जाएंगे। हल्दी का लेप भी दांत खाज खुजली के लिए फायदेमंद होता है। गुलकंद और दूध पीने से भी दांत की समस्या कम हो जाती है। दांत खाज खुजली वाली जगह पर नीम की पत्ती और दही का पेस्ट बनाकर लगाएं, बहुत फायदा होगा। रोजाना 12 ग्राम नीम के पत्तों का रस अगर पीना शुरू कर देते हैं तो आप देखिए आपकी समस्या कैसे दूर होती है।